अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय न्यू व्लॉग। इट्स अबाउट कराची टूर। आज हम जा रहे हैं कराची गुजरांवाला से। ये पीछे गुजरांवाला का स्टेशन आपको नज़र आ रहा होगा। हम लोग जा रहे हैं शादी पे। हम राउंड अबाउट 30 मेंबर्स हैं, जिसमें से 15 मेंबर आ जा रहे हैं और 15 मेंबर जो हैं वो 13 को जा रहे हैं। मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि जब यहाँ पे सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो 19-20 दिसंबर को यहाँ पे छुट्टियाँ दे दी जाती हैं, जो कि 5 जनवरी तक या 1 जनवरी तक मोस्टली होती हैं। लेकिन इस बार हुआ ये कि सर्दी बहुत ज़्यादा 5 जनवरी के बाद और ज़्यादा स्टार्ट होगी, तो पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि छुट्टियाँ एक्सटेंड कर दी जाएँ, जो कि 12 तारीख तक हो गई हैं। तो कल 2-3 दिन हो गए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मैं वैसे हैरान हूँ कि आज जाने का टाइम है और ये धूप निकल आई है। मतलब थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन धूप भी निकली है। हम लोग इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम में और उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर भी कराची जाएँगे। वहाँ यहाँ की नस्बत कम सर्दी होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन वहाँ पर इतनी नहीं होती। तो अब वहाँ जाएँगे, हम लोगों को पता चलेगा किस तरह का मौसम है। लेकिन हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि सर्दियों की शादी है। सर्दियों की शादी में ये होता है कि थोड़ा मज़ा आता है, बंदा रज़ाई में कंबल में बैठ के गुसगुसा के हम लोग मूँगफली वगैरह खाते हैं। इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो सर्दियों में की जाती हैं। गर्मियों में तो पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद अब आगे चलते हैं हम लोग, जब गाड़ी में बैठ जाएँगे। गाड़ी का हम लोग वेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हाफ आवर है अभी गाड़ी के आने में। तो उस पर जब गाड़ी में हम बैठेंगे तो नेक्स्ट जो जो चीज़ें होंगी वो वहीं से मैं आपको गाड़ी में ही बैठ के हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी। ले जी, हम गुजरांवाला से कराची जाने के लिए ट्रेन में सवार हो चुके हैं, लेकिन हमें पता है कि हम किस तरह से सवार हैं। खवातीन के लिए स्पेशली यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। हम इतनी मुश्किल से फंस फंसा के अंदर से गुजर के गुजरी हैं और मर्दों ने हमें बिल्कुल जगह नहीं दी। कोई रूल्स नहीं थे, कोई रेगुलेशन नहीं थे। सामान अपू वगैरह ने, सारे मर्दों ने ये विंडो के ज़रिए से अंदर किया, डिसाइड किया। और ये देखिए किस तरह से सामान पड़ा हुआ है और हम लोग अभी इसी तरह से बैठे हुए हैं। और ये हैं सारे मेरे फैमिली मेम्बर, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी कज़न है, ये भी मेरी कज़न है, इसको अक्सर आपने मेरे साथ इसमें जुड़ी है। ये मेरे हस्बैंड है, वो भी मेरा कज़न है, वो मेरे भी कज़न है, ये आंटी हैं, ये अम्मी हैं, अम्मी को भी आपने इसमें वीडियो में की, हमारी नसीम बाजी हैं। और ये जो वीडियो बना रही है ये हमारी जैनी है, जिसको आपने वीडियो में देखा। एंड शी इज़ माई डॉटर। और वो ऊपर मेरा बेटा बैठा हुआ है ऊपर। जैसे हेलो, जैसे हेलो, अब हम लाहौर की तरफ उतर रहे हैं। ट्रेन जा रही है, वहाँ पे मेरे ख्याल में पौना घंटा या आधा घंटा रुकेगी। वहाँ पे हम अपने सामान जो है वो सारी सेटिंग करेंगे, फिर कम्फर्टली बैठेंगे और फिर स्टार्ट लेंगे कि अब हमने क्या करना है, लूडो खेलनी है, क्या करना है, खाना खाना है। फिर आगे से मैं आपको आस्ते आस्ते गाइड करती जाऊँगी, साथ साथ जो जो चल रहा है ना उसके बारे में साथ साथ आपको। जो हैं वो यहाँ से, उन्होंने टिकट्स करवाई हैं, वो यहाँ से सवार हो रहे हैं, सामान वगैरह लोड कर रहे हैं और कुछ यहाँ पे उतर रहे हैं। जो पीछे से बैठ के पैसेंजर आए हैं, यहाँ आपको आप देख रहे होंगे ये बुक स्टॉल भी है। मतलब जिन्होंने सफ़र के दौरान बुक्स वगैरह पढ़नी है वो बुक्स बाय कर सकते हैं। वो चाय का स्टॉल है, लोग चाय पी रहे हैं। और जिन्होंने खाना खाना है, खाने खाने के स्टॉल और जंक फूड वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। और ये कुछ लोग आप लोगों को वेटिंग में नज़र आ रहे होंगे, ये अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। देखें यहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल है, ये बहुत बड़ा स्टेशन है, इसके काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पॉइंट बनाए हुए हैं। और ये आपको जंक फूड का स्टॉल नज़र आएगा, यहाँ पे आप जंक फूड वगैरह बाय कर सकते हैं। आगे आपको
जो खाने पीने के ये मेडिसिन का भी रखें यहाँ पे, मेडिसिन की भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई मसला दरपेश आता है या कोई बीमार है बंदा तो वो यहाँ से बाय कर सकता है। ये ऊपर देखें, ऊपर से ज़रा दिखाइएगा इनको, ऊपर से देखें ये ऊपर टाइमिंग और पॉइंट्स कितने रास्ते हैं, गेट्स हैं, उनके नंबर ऊपर मेंशन है कि अगर आपको नहीं मालूम तो आप इनको देख के अपना रूट जो है वो तलाश कर सकते हैं। ये सामने एक और ट्रेन है, अभी ये ट्रेन खाली है, पता नहीं अभी किस साइड पे जाएगी। यहाँ पे भी आपको लोग वेटिंग में नज़र आएंगे, स्टॉल्स नज़र आएंगे बुक्स के, खाने पीने के। फ़िलहाल यहाँ पे इस पॉइंट पे इतनी चहल पहल नहीं है मेरे ख्याल में, अभी यहाँ पे कोई रूट नहीं है, लोग कम नज़र आ रहे हैं। हमारे वाला जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग लाहौर से जा रहे हैं कराची, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल है और सफाई का भी आगे की नस्बत तो यहाँ पे थोड़ा बेटर इंतज़ाम नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन सफाई सुथराई की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, आगे से इम्प्रूवमेंट हो रही है। हमारे वज़ीर रेलवे जो हैं शेख रशीद साहब के पास उनका ये होल्ड है रेलवे का, और इसके अलावा ऊपर से देखें, ऊपर से भी रास्ता है, लोग ऊपर से भी पॉइंट के ज़रिए से एक जगह से, लाजमी नहीं है कि आप नीचे से जाएं, ऊपर से स्टेयर्स बनी हुई हैं, आप दूसरी जगह मूव, दूसरे पॉइंट पे, दूसरी जहाँ पे पॉइंट पे आपकी दूसरी ट्रेन हैं आप वहाँ पे रुक सकते हैं। और मौसम थोड़ी धुंध भी है, अगर आपको दूर से नज़र आए तो थोड़ी धुंध भी है और थोड़ा सनी वेदर भी है, बहुत ज़्यादा सनी नहीं है, थोड़ी धुंध भी नज़र आ रही है। और अब देखेंगे वहाँ जाके किस तरह का होगा, कराची में कैसा वेदर होगा। लग तो रहा है कि वहाँ पे हम लोगों को ये जो स्वीटर शॉल्स हम लोगों ने पहनी हुई हैं वो हमें नहीं पहननी पड़ेंगी, वहाँ पर मौसम यहाँ की नस्बत चेंज होगा। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि What would be in our journey, during the journey? Assalamu alaikum, ये मुल्तान है, लाहौर से हम चले हैं, अब ये मुल्तान जंक्शन है, यहाँ पे हमने स्टे किया है। मुल्तान का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ अपने इंडियन व्यूअर्स को, कि अगर आप लोग नहीं जानते, मुल्तान वो शहर है पंजाब का जिसका सोन हलवा बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये सोन हलवे की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ की आप चहल पहल जो है वो सारी, वो देखे सामने हाफिज़ वालों का सोन हलवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर है, और देखें लोगों का रश है, लोग ये खरीद के ले जा रहे हैं अपने प्यारों के लिए और अपने लिए भी। बाकी आप देख रहे हैं लोगों की चहल पहल, यहाँ आधे घंटे के लिए रुकी है गाड़ी, और सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं है, रात हो चुकी है, ऊपर चाँद देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और आधा घंटा मेरे ख्याल में स्टे होगा, उसके बाद हम लोग चल पड़ेंगे। लोग अपने खाने पीने का यहाँ पे तमाम कर रहे हैं, जो घर से खाना वगैरह नहीं लेके आए, हमने भी यहाँ से समोसे खरीदे हैं, खाना ट्रेन से बाय किया है। और देखें, और इनको ये शॉर्ट ज़रा दिखाइएगा सारा इस तरफ का, देखें लोग फ्रूट्स भी हैं यहाँ पे, टॉयज़ भी हैं अगर आप बाय करना चाहें अपने बच्चों के लिए। मेरे ख्याल में खाने पीने की हर चीज़ अवेलेबल है, आपको पीछे से आवाज़ें भी आ रही होंगी। हेलो, हाँ जी, नेक्स्ट डे हो गया है, हम सिंध में एंटर हो गए हैं, अब सुबह हो गई, आपको पीछे नज़र आ रही होगी रोशनी, 8 बज गए हैं, हम सारे उठ गए हैं, कुछ लोग सोए हुए हैं, रात को नींद जो है वो इतनी अच्छी नहीं आई, बस ठीक है। और हमने सखर को भी क्रॉस किया, वो भी सिंध का बहुत मशहूर शहर है, लेकिन मैं उस वक्त सोई उठी थी, वहाँ से हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया, और भी बड़े रात को स्टेशन आए थे लेकिन मैं सोई हुई थी, तो मुझे नहीं पता कौन कौन से मशहूर जो हैं वो स्टेशन गुजरे हैं। तो आप भी ये, मैं अपनी बेटी का साथ देखने लगी हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इसका साथ देखूँ, नहीं ज़्यादा देर नहीं देखती, इधर आए थोड़ा सा देखूँ।
जाइना इधर आए ना, थोड़ा सा बस देख के, थोड़ा सा देख के ना। मेरी बेटी के सर में ना खुश्की है बड़ी ज्यादा। इसके सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा डैंड्रफ है मेरी बेटी। क्योंकि हम गर्म पानी से सर धोते हैं ना। हाँ हाँ जाइना क्या कर रही है? देखिए ये मेरी बेटी तो काबू नहीं आई। इसको मैं कह रही थी मुझे सर दिखाएं, ये नहीं सर दिखा रही। फिर मैंने इसकी पोनी कर दी है। अब वो दोनों कजन आपस में एक दूसरे की पोनी कर रहे हैं। देखें वो एक दूसरे के बाल बना रही हैं, क्योंकि सुबह सुबह हम धो के उठे हैं, सबके बाल जो हैं वो बिखरे हुए हैं, तो थोड़ा सा फ्रेश हो रहे हैं सारे उठ के कि फ्रेश हो जाए, ताकि अच्छी लुक आए। प्यारी सी पोनी बनाए मैना की। ऊपर बैठ के बाल बनाना मुश्किल तो है, लेकिन वो बेचारी कोशिश कर रही है कि मैं इसके बाल समेट लूं, क्योंकि मेरी इस कजन के बाल माशाल्लाह है भी बहुत हेल्दी। ये मेरी दिलरुबा कजन है, दिलरुबा। इधर आते प्यारी सी पोनी इसकी करें। देखें जो मैंने आपसे प्रॉमिसेस किए थे या आपको कहा था कि हम जो जो एक्टिविटीज करेंगे, ये अब इसकी पोनी कर दी है। मेरे ख्याल में अभी भी हमारे पहुंचने में 5-6 घंटे हैं, हमारा कराची पहुंचने में, तो अब उस दौरान ले जी। अब फाइनल हम कराची पहुंच चुके हैं। गुजरांवाला से हमारी डेस्टिनेशन आ चुकी है। ये सामान आप देख रहे हैं, ये हमारा सामान है। ये मेरे बहनोई हैं, हमें रिसीव करने आए हैं, तो अब हम घर जा रहे हैं। तो जो जो हम लोगों ने इस दौरान एक्टिविटीज़ की वो मैंने आपके साथ शेयर की, और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मिस हैप भी हुआ इस दौरान, ये हुआ कि मेरी कज़न का मोबाइल गुम हो गया एंड में आके, और इस छोटी का मोबाइल गुम हो गया। हम लोगों ने बहुत तलाश किया लेकिन नहीं मिला। और दूसरे नंबर पे मैं ये जो मैंने इस सफ़र के दौरान मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। एक तो हमें खाने का जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसला रहा, गैर मियारी खाना था। दूसरे नंबर पे सोने का हमें बहुत ज़्यादा इशू रहा, और कोई इतनी ख़ास कोऑपरेशन नहीं स्टाफ की रही। ये कुछ मसाइल थे जिसमें जो पाकिस्तान रेलवे है उसको थोड़ी एडवांसमेंट करनी चाहिए, थोड़ी इम्प्रूव करनी चाहिए। और टाइम, गाड़ी का टाइम बहुत लेट था, लेट आई है, और लेट ही इसने हमें, कल इसका 11:30 का टाइम था, ये मेरे ख्याल में 1:30 बजे गाड़ी आई है, और आज हम पहुँचे हैं 3 घंटे हम लेट हैं। तो ये थी मेरा व्लॉग, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा इंडिया वाले व्यूवर्स, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को लोग कैसा लगा मेरा ये जर्नी बताए, और जो चीज़ आपको डिसलाइक आप करते हैं या और चीज़ पूछना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।